अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आपकी दुआओं से जी हम भी बिल्कुल ठीक है। खुदा से उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे, यूं फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और खुदा आपको जल्द से जल्द कामयाब करे। तो गाइस आज की एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। उससे पहले जितने भी मेरे चैनल पर मेरे न्यू फ्रेंड है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो गाइस चलें बढ़ते हैं आज की एक्टिविटी की तरफ। और आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग पंजाबी स्टाइल में, जो कटिंग से लेके बनाने तक पूरा पंजाबी स्टाइल में है। तो और मक्खन के साथ, अम्मी बोल रही है मक्खन के साथ खाएंगे। तो चलें गाइस मक्खन कैसे बनता है वो भी आपको दिखाते हैं और साग कैसे बनता है वो भी आपको दिखाते हैं और आज की एक्टिविटी हमारे साथ आपके साथ पूरी शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं जी साग की तरफ। तो यहाँ देखें गाइस मिले अम्मी से और अम्मी आज मेरी फेवरेट चीज़ लेके आई है, जो कि मैंने फैसलाबाद भी ट्राई की है और वहाँ से तो मुझे पूरा बाज़ार मैंने घूमा है, वहाँ से नहीं मिला। तो आखिर आज चिश्तिया में मिल गया। और ये क्या है साग, यहाँ देखिए इतनी फ्रेश सब्जी होती है गाइस यहाँ पे। और यहाँ देखिए मेथी की, अम्मी ये मेथी है ना, एक तो हाँ, मेथरे होते हैं, मेथरे जो होते हैं ना वो लंबे पत्ते होते हैं और इसकी खुशबू ज़्यादा होती है। मेथी है और यहाँ पे है जी पालक और इसके अंदर है सरसों का साग। तो चले मैं और अम्मी जो आज साग बनाने लगे हैं, क्योंकि अम्मी ने कल कहीं जाना है। कहाँ जाना है आप लोगों ने? मुल्तान, सुनील का पता लेने के लिए। और गाइस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड हैं प्लीज़ सुनील भाई यानी फरजाना जो मुझसे छोटी वाली है, उसके हस्बैंड जो फौजी साहब हैं सुनील, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। पहले वो सीएम में वहाँ कोयटा में दाखिल थे, अभी मुल्तान में है। तो मुल्तान में उनके अम्मी अब्बू भी रहते हैं एक गांव में, और फरजाना से मेरा भी आए हुए हैं, मैं भी आई हूँ और मैं यहाँ पे अम्मी के पास हूँ। और गाइस प्लीज़ उनके लिए खास दुआ करें कि वो ठीक हो जाए, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन खुदा का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है। तो चले गाइस एक्टिविटी को शुरू करते हैं और जी काटते हैं साग और आगे आगे भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए गाइस हमने सब काम वाम मैंने और अम्मी ने कर लिया है, तो यहाँ किचन भी नीट हो गया। अभी दूध वाला आने वाला है, फिर दूध बॉईल करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने किचन भी नीट कर लिया है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, अम्मी के साथ साग कटवाऊँगी। ये सारा निकला है कचरा, ये साग का कचरा है और ये पालक का। यहाँ देखें ये निकला हमारा साग। तो यहाँ देखिए अम्मी काट के नहीं धोती, अम्मी कैसे धोती है अम्मी बताएं ज़रा। पहले धो लेती हूँ इसलिए कि मिट्टी वगैरह दोबारा साथ नहीं मिलती, और बाद में काट के हांडी में डाला जाता है और पतीली में डालने से पहले, काटने से पहले धो लेती हैं इसलिए, क्योंकि जब काट के धो ना तो बिकारी फिर पतला पतला वो पानी भर जाता है पत्तों में, से निकलता नहीं है जल्दी से। सही निकलता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हाँ अभी देखें ये कर लिया, अभी धोएंगे इसको, फिर अम्मी साथ साथ काटती जाएगी और मैं पानी में डालते जाऊँगी साथ साथ। तो धूप भी काफ़ी हो गई है, 12 बजे गैस आती है, अभी गैस भी आने वाली है। तो बस और यहाँ ग्रीन, यहाँ देखें ग्रीन मिर्चें, अचार वाली मिर्ची हैं ये। भाई यहाँ देखें अम्मी जो है ना साग धो रही हैं ना सारा गर्म बाद से दो वाली कट्टी आओ तो पाई आओ। दो पानी, अभी एक पानी निकला है, अभी एक पानी, अभी एक और निकालेंगे। मीठे पानी से वॉश हो रहा है यहाँ पे साग, यहाँ मीठा पानी है। अरे तेला जहा आ गया सारा, तो फिर जो साग चुकी है ना नाल ही आ जाएगा। देखते हैं अबू आ रहे हैं कितने, कचरा निकला ये देखें आप। और अम्मी कह रही है जो पत्तों को लगा होता है ना फिर बीच में आ जाते हैं और फिर मट्टी तो निकल जाती है, लेकिन ये वाला कचरा जो है ना ये वाला ये नहीं निकलता। तो प्लीज़ मैं भी इसी तरह भी करूँगी, मैं काटने से पहले इसे सेट करूँगी, फिर अब जब दूसरा पानी धोऊंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलें आगे की एक्टिविटी आपसे शेयर करते हैं। तो अभी गैस नहीं आई, मैं किचन में तो आ चुकी हूँ। तो जी गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, मैं लिखी हूँ चाय पत्ती। गैस अभी अभी आई है यहाँ पे, बस लाइट सी चीनी
चाय बना रही हूँ। इसके बाद दूध गर्म कर दूंगी। सिर्फ दूध है, दूध में मैंने पत्ती डाली है और फीकी चाय है, बिल्कुल चीनी के दो तीन दाने हैं और साथ ही रख दिया दूध गर्म होने के लिए। देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं। यहाँ गाइस पी जा रही है चाय, अब्बू भी चाय पी रहे हैं। छत देखो कितनी प्यारी है। यहाँ पे हमने देखा दात्री के साथ काटी, कैसे मुझे तो नहीं काटना आता दात्री के साथ, जैसे चारा काटते हैं ना उसी से। और चाय पी लें आप अपने। अबू चाय सही बनी है ना? चाय सही बनी है, इसका भी दाल लगा है। जब भी जितनी दफा चाय बनती है ये भी नशाई उतनी दफा ही पीता है। साथ ये लोग देख रहे हैं अब सिर्फ 15 रुपए। गाइस यहाँ देखें 3 घंटे में साग तैयार है। 3 घंटे हुए ना मम्मी? हाँ यहाँ देखिए, और ये ना छोटा छोटा था, नरम साग था, कच्चा कच्चा। और ये देखिए कितना प्यारा। अभी कुछ अम्मी ने किया, अभी कुछ मैं करती हूँ। और मशीन में नहीं, इसके साथ जो है ना ज़्यादा मज़े का बनता है। यहाँ देखिए गाइस साग हमारा तकरीबन तैयार हो गया, अब सिर्फ इसे तड़का लगाना है। हाँ तो रही क्या हो गया? दो प्लेट। और गाइस यहाँ देखिए मैंने धनिया जो है ना कुछ अम्मी ने तड़के के लिए रख लिया है, और ना मैं डाल दी। ये ले जाओ। साग हमारा जो है ना रेडी हो चुका है। आज एक ऐसी डिश है जो बहुत ही फेमस है, आपकी फेमस डिश फेमस। क्या प्रभु जा रहे हैं रोटी लगवाने, तंदूर से यहाँ रोटी लगवाते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गैस भी मेरे ख्याल में मुश्किल से हमारा साग बन गया है। वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये था कि हम रात को खाएंगे, लेकिन अभी हमारा साग रेडी हो गया, तो बैठ के खाने से खाने में जी बढ़िया। ओके तो जी गाइस साग जो है ना वो बन गया, और यहाँ देखें इसकी थिकनेस कैसी है। साग जो है ना एक जान होना चाहिए जैसे कि ये देखिए। और किस किस को साग पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जी गाइस हमारा जो सरसों का साग बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ देखें हमने तड़का भी लगा लिया इसको, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए आप और साथ में मैंने मिर्चे ज़्यादा थी, और ये मैंने जो है फ्राई करनी है नमक की भर के। और यहाँ देखिए अम्मी बना रही है जी, बना लिया बल्कि अम्मी ने बनाया मक्खन। मलाई अम्मी जमा करती रहती है, जाग लगा देती है वो जो दही थोड़ा सा डाल के। यहाँ देखिए लस्सी तो पीने वाली नहीं है, लेकिन मक्खन बन गया है।